वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था ITI स्टूडेंट के लिए 2019 साल में, इसका CBT एग्ज़ाम कंप्लीटेड हुआ था 2019 साल में, लेकिन दो साल हो गया है अभी भी इसका तरफ से कोई भी रिजल्ट का अपडेट नहीं आ रहा था। तो आज आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ आया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा रिक्रूटमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट असिस्टेंट जो ITI स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट था। तो इसका रूल बुक मैं डाउनलोड करके एक बार दिखा देता हूँ। जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया था मैकेनिकल पोस्ट में, आप देख सकते हैं टोटल इसमें 60 पोस्ट था और इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट के लिए 40 पोस्ट था, टोटल 100 पोस्ट था, ठीक है। तो इसका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग करियर सेक्शन में आएंगे तो नोटिस फॉर कैंसिलेशन नोटिस आप देख सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो हिंदी में इधर दिया है, आप लोग फिर भी देख सकते हैं। इसमें आप लोग को बोला है 4 नवंबर 2019 में आयोजित की गए ऑनलाइन लिखित परीक्षा की निरस्त करते हुए, मतलब इसका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया है और वो जो रिक्रूटमेंट आया था उसको टोटली जल्द से जल्द उसको टर्मिनेट किया गया है। तो रिक्रूटमेंट जो आया था वो टोटली कैंसिल हो गया है और आप लोगों का जो एग्ज़ाम भी हुआ है वो भी कैंसिल आप लोगों का हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट इतना दिन से इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। फिर भी इतना दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था, इसीलिए ये अपडेट आप लोग को देना पड़ा। तो ये था आप सभी के लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।